मैट्रिक के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। अपना रिजल्ट जांच करने के लिए गूगल में सर्च करें इंडिया रिजल्ट्स, जैसे हमने यहाँ पर किया। करने के पश्चात यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर जाए और यहाँ पर देख सकते हैं कि indiaresults.com, इनको टच करें। इनको टच करने के पश्चात पेज इस प्रकार से ओपन होगा। होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का ऑप्शन लिखा हुआ है, इनको टच करें। इनको जैसे ही टच करेंगे पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। होने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनको टच करना है आपको। टच करने के पश्चात पेज इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑल स्ट्रीम रिजल्ट 2020 नाउ अवेलेबल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास 10th मैट्रिक रिजल्ट 2020। तो इनको टच करके जैसे ही टच करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आता है, इसमें रोल कोड रोल नंबर डाल करके और यहाँ पर गो पर टच करेंगे तो आप इंटर का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और साथ ही मैट्रिक वाले स्टूडेंट इस लिंक को टच करके अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड कलर में लिखा हुआ है नाउ अवेलेबल, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी रेड कलर में लिखा रहेगा नाउ अवेलेबल। तो चलिए मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित जो बहुत बड़ी न्यूज है उनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज मॉल धर्मस्थल 15 मई तक बंद ही रहे मंत्री समूह। ऐसा विचार चल रहा है कि 15 मई तक बंद ही रखा जाए। 8 राज्य बोले लॉकडाउन जारी रखा जाना चाहिए, यानी ये भी चर्चा चल रहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। और साथ ही चर्चा यह भी है आज की सिडनी वीडियो में जो है कि हम मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित यहाँ पर जो न्यूज़ है इनको हम जान लेते हैं कि बिहार बोर्ड अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। तो संवाददाता पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मार्च वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की कॉपियों का मूल्यांकन 14 अप्रैल तक शुरू हो जाती है। तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 14 अप्रैल के बाद जो अगर मैट्रिक कॉपी की जाँच शुरू हो जाती है तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जो है कि रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बहुत से राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, वहाँ पर न्यूज़ की हेडलाइन में हमने आपको बता भी दिया है, बहुत से राज्य जो है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाह रहे हैं। इस पर फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो 1 से 2 दिन में जो है कि स्थिति साफ हो जाएगी। अगर लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो यह भी चर्चा चल रही है, लॉकडाउन 5 दिन के लिए हटाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन कार्य समाप्त कर टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी चर्चा चल रहा है कि लॉकडाउन को जो है कि 5 दिन के लिए हटा दिया जाए और पुनः लॉकडाउन लगा दिया जाए, यह चर्चा है। अगर 5 दिन के लिए भी लॉकडाउन हटता है तो मैट्रिक का कॉपी का जो है ना मूल्यांकन कार्य हो जाएगा। अगर मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन कार्य हो गया तो जिस प्रकार से इंटर में छात्रों का जो है कि व्हाट्सएप पर वेरिफिकेशन किया गया उसी प्रकार से व्हाट्सएप पर वेरिफिकेशन हो सकता है। और होने के बाद जो है कि तीसरे सप्ताह यानी 21 या 22 मार्च को जो है कि मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत से हड़ताली शिक्षक जो है वे भी अब योगदान दे रहे हैं सरकार की घोषणा के बाद। तो मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।